देखिए, एमसीडी का नाम आते ही जहन में एकदम से भ्रष्टाचार का नाम आता है। ऐसा क्यों है कि एमसीडी का नाम दिमाग में आए और भ्रष्टाचार की बात शुरू हो जाए? दिमाग में ही जद्दोजहद होने लगती है कि एमसीडी है तो भ्रष्टाचार है। तो यही चीज़ को ख़त्म करना है, इसी के लिए केजरीवाल जी को लाना है। क्योंकि देखिए, कहीं अगर एक आम आदमी अगर छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी करता है तो इनके जो दलाल हैं वो पहुँच जाते हैं। पहले छोटे से छोटा कर्मचारी ये देखने जाता है कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, उस हिसाब से वो अपना जो उनका हिस्सा है वो मांगते हैं जाके। इनसे मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके बाप का कर्जा ले रखा है, आपका क्यों भरें हम आपके यहाँ बात? हमारे ऊपर ऐसा है क्या, क्यों हम आपके आपको ये पैसे दें जब हम ऑलरेडी टैक्स भर रहे हैं? एक छोटे से काम के लिए भी हमें एमसीडी में, इसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। और बीजेपी ने चारों तरफ धांधली फैलाई हुई है इसी चीज़ को लेकर कि बड़े से कंस्ट्रक्शन में ये जाने कितना पैसा खाते हैं, जिसकी वजह से एमसीडी की छवि खराब है। और सिर्फ भाजपा की वजह से, क्योंकि उन्होंने एमसीडी को एक रूपरेखा ही बदली हुई है। सरकार में सुधार लाने की ज़रूरत है, जिसके लिए केजरीवाल सरकार का आना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी बात को विराम देते हुए ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये भ्रष्टाचार सिर्फ लैंडर माफिया को लेकर ही नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, आप एक छोटा सा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए, आप डेथ सर्टिफिकेट बनाइए, या कोई भी ऐसा छोटा सा काम कराने चले जाइए, इनका पेट जब तक नहीं भरोगे आपका काम नहीं होगा।